class 2, how are you? I hope you will find your home today. We are doing the book work of page number 9, lesson number 2, adjectives. मैंने आपको adjectives के बारे में बता दिया था, मैं दोबारा explain कर देती हूँ. Words that is tell us something more about a person, place or thing. Nouns are called adjectives. यानी वो अल्फाज जो हमें किसी भी noun चाहे वो place है, person है या thing है किसी के बारे में मज़ीद हमें बताते हैं, मज़ीद inform करता है, वो क्या होते हैं? Adjectives होते हैं. For example, जैसे ग्रे कैट. अब कैट है, कैट नाउन है. अब ग्रे जो है ये वर्ड है जो हमें इस कैट के बारे में बता रहा है कि ये ग्रे है, यानी इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्म कर रहे हैं ना, कुछ मज़ीद बता रहे हैं. तो ये ग्रे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट बुक वर्क. लेट अस अंडरस्टैंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन लिस्ट. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इन्होंने ये लिस्ट, ये वर्ड्स दिए हुए हैं और ये लिस्ट है, इसको हमने जो सूटेबल वर्ड है वो यहाँ पे राइट करने हैं. ग्रास, आप देख रहे हैं पिक्चर में ग्रीन कलर की ग्रास है, तो यहाँ हमने ग्रीन लिख दिया. नेक्स्ट है कैट. कैट देख रहे हैं, पैट है. ठीक है, यहाँ पे पैट लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे पैट राइट कर दिया. स्नैक, स्नैक इज अ लॉन्ग एनिमल. ठीक है, तो स्नैक एक लंबा जानवर होता है. ठीक है, यहाँ पे हमने लॉन्ग लिख दिया. रैट, रैट इज टाइनी, यहाँ हमने टाइनी राइट कर दिया. ओके, गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10. एनालाइज द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग पैसेज. ठीक है, अब ये जो है ये हमने पैसेज रीड आउट करना है और इसमें जो एडजेक्टिव उसको अंडरलाइन करने हैं. ऑन संडे सेकंड टर्म डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ पिकनिक इन द नियर बाय हिल्स. इट वाज अ प्लेजेंट डे. अब प्लेजेंट है खुशगवार, डे है दिन. अब देखिए कि जो डे है प्लेजेंट जो है, इस डे के बारे में हमें मज़ीद बता रहे हैं कि एक दिन है वो जो है खुशगवार है. तो प्लेजेंट क्या होगा? इसका एडजेक्टिव होगा. आफ्टर पैकिंग सम फूड्स एंड ड्रिंक्स इन अ बैग दे सेट आउट ऑन देयर जर्नी. जिसमें आप सेकेंड में बता रहे हैं अब जो फूड और ड्रिंक के बारे में, उनके तलाद के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमने सम है उसको अंडरलाइन कर दिया. दे टुक अ नैरो पाथ विच टुक देम अप अ स्टीप हिल. ठीक है, अब पाथ रास्ता होते हैं. अब हमें रास्ते के बारे में, ये जो नैरो तंग होता है, ये बता रहे हैं कि हाँ भी एक रास्ता है वो क्या है? तंग है. यानी इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्म कर रहे हैं ना, तो इसको हमने सर्कल कर दिया. यहाँ पे स्टीप हिल है, इसको सर्कल कर दिया. द स्लोप्स वर कवर्ड विद द डेंस ट्री ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पाथ. यहाँ पे डेंस है, ठीक है, ट्रीज यहाँ पे सर्कल कर दिया. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. लुक एट द पिक्चर बिलो, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग एन एडजेक्टिव फ्रॉम द लिसन फ्रॉम द लिस्ट बिलो. राइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. अब ये पिक्चर है, ठीक है, इस पिक्चर से देख के हमने यहाँ पे इन्होंने कुछ वर्ड्स दे दिए हुए, हमने जो सूटेबल वर्ड्स हैं वो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स पर राइट करने. नाउ लेट्स स्टार्ट. द डेस लेडी इज वेटिंग फॉर अ बस. ठीक है, अब पिक्चर में देख रहे हैं कि एक लेडी है जो है, आप देख रहे हैं ये ओल्ड तो नहीं है, ये यंग है ना, तो यहाँ पे यंग लेडी, यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ड भी लिखा हुआ है, हमने यंग है, यंग सूटेबल है, हमने यहाँ पे लिख दिया. हम पिक्चर में भी देख रहे हैं, शी इज़ वेयरिंग डैश हैट. उसने कौन सी हैट पहनी है? रेड कलर की, हमने यहाँ रेड लिख दिया. देयर इज अ शॉप अक्रॉस द रोड. ठीक है, शॉप है, यहाँ पे हमने शॉप राइट कर दिया. डैश मैन इज अ शॉप कीपर बेल्ट. देर इज अ डैश कैट सिटिंग ऑन द रूफ. देर इज अ येलो कैट. येलो कैट यहाँ पे राइट कर दिया. ओके क्लास, अब तक के लिए हमने पेज नंबर 9 और 10 बुक वर्क कर ली. अब हम पेज नंबर 11 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके क्लास, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टू क्लास.